हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में, जहां मैं क्लास 7 के इंग्लिश के बुक रूट्स एंड विंग्स के चैप्टर 9 द केस ऑफ द मिसिंग नेकलेस को कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जो है वो दो लड़कियों पे बेस्ड है, जिसमें उन लोगों के आसपास यानी उनके शहर में एक नेकलेस की चोरी हो जाती है और जो लुटेरे होते हैं उनके ही कंपार्टमेंट में आके रहने लगते हैं। और ये दोनों लड़की मिलके जो है उन दोनों को एक जो मुजरिम वहाँ आके छुपे रहते हैं उनको वो एक्सपोज करते हैं और फिर इन दोनों को इनाम दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विधि लुक्ड एट द डार्क स्काई एंड सेड इन अ कंप्लेनिंग टोन, नजमा इट्स रेनिंग अगेन, वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड। नजमा डिड नॉट सीम टू बॉदर मच अबाउट इट, सी सेड it doesn't matter, let's play in the corridor. Soon they started running around and played in the corridor. तो विधि जो है वो काले आसमान की ओर देखती है और काले आसमान को देख के वो एक कंप्लेनिंग टोन में कहती है नजमा से, यानी नजमा उसकी दोस्त है, कि नजमा देखो फिर से बारिश होने लगी और लगता है हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। नजमा को बाहर जाने में अगर नहीं बन रहा था तो उससे दिक्कत नहीं था, बोलती है चलो बाहर नहीं जा पाएंगे तो क्या हुआ, हम लोग अंदर ही खेल लेते हैं, कॉरिडोर में खेलने लगते हैं। इट वॉज़ अ लॉन्ग कॉरिडोर। अब कॉरिडोर की बात करें तो कॉरिडोर काफ़ी लंबा था, उसमें 5 दरवाजे अलग अलग फ्लैट के खुलते थे और कहीं दूर जो है एक लिफ्ट था। अब विधि और नजमा जो हैं दोनों पड़ोसी थे और दोनों शाम के समय मिलते थे, और एक शुभम नाम का लड़का भी था जो कि 6th फ्लोर पर रहता था और नजमा और विधि जो है वो 5वें फ्लोर पर रहते थे। तो शुभम जो कि 6th फ्लोर पे रहता था वो शाम को आके उन लोगों को ज्वाइन करता था और सभी बच्चे वहाँ खेलते थे, यानी 5th फ्लोर के जो कॉरिडोर जो था 5th फ्लोर पे वहाँ वो लोग खेल रहे थे या खेलते थे। तो जब वो लोग खेल रहे थे शाम को एक दिन, तो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, तो अब उनके उस फ्लैट में यानी 5वें फ्लोर पर कुछ नए लोग रहने आए थे। तो जो नए लोग रहने आए थे वो थोड़ा सा कुछ अलग किस्म के थे, उनका जो मिजाज था वो अच्छा नहीं था। तो जब ये बच्चे शोर मचाने लगे तो वो आदमी बाहर आता है और गुस्से से उनको बोलता है गो अवे यू ब्रैट्स, यानी बदमाश बच्चों यहाँ से भागो, और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की। और वो जो बच्चे जो थे, जब वो जानते तो थे कि उनके फ्लैट में कुछ नए लोग रहने आए हैं, लेकिन वो नए लोग कौन हैं वो जानते नहीं थे। तो बच्चे जो है डर गए और स्पेशली जो विधि थी उसने कुछ हिम्मत वहाँ पे जुटाया और कहा सॉरी अंकल, हम लोग खेल रहे थे और अब से ऐसा नहीं होगा। और ये बोल के सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए, क्योंकि उन लोगों को डर लग गया था, क्योंकि जो आदमी था ना, जो नया जो टेनेंट आया था किराएदार, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था और उसने बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई थी और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल, अगर हम बात करें अगले सुबह की, तो अगले सुबह जब विधि उठी तो वो सुबह जैसा ही था जैसे कि हर दिन का सुबह होता था, और जैसे वो उठी हमेशा की तरह और रेडी होके फिर ब्रेकफास्ट के लिए वो रेडी होने लगी, और रेडी होके फिर ब्रेकफास्ट करके वो बस से जाने वाली थी अपने स्कूल में कि अचानक टीवी पे वो न्यूज़ देखती है कि टीवी पे न्यूज़ आता है कि जो ये बेगम कलेक्शन था वो चोरी हो गया है, मतलब एक नेकलेस जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट का था बेगम्स के कलेक्शन का, वो कल रात चोरी हो गया है और जो लोग उसको चोरी करने आए थे उन्होंने सीसीटीवी का वायर कट कर दिया और कट करने के बाद जो है उन्होंने चुरा लिया है, तो जिससे जो पुलिस थे उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। ठीक है, और जो नेकलेस चोरी हुआ है सिटी म्यूजियम से उसकी कीमत लगभग डॉलर में 12 मिलियन थी, और जो रिपोर्टर जो इसको मतलब इसको कवर कर रही थी उस रिपोर्टर ने ये बोला कि स्क्रीन पे आके ये बोला कि अगर कोई आदमी उस नेकलेस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो इन्फॉर्मेशन देने वाले को जो है 10 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ देना है, तो उसने बताया कि 200 यानी 200 एक नंबर है, इस पर अगर चोर के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे 10 लाख रुपए से नवाजा जाएगा। अब यहाँ पे इस न्यूज़ के साथ एक पिक्चर भी दिखाया गया और यहाँ पे विधि जो थी उसने देख लिया। ठीक है, विधि ने जो है वो नेकलेस का मतलब फ़ोटो देख लिया। अब जो है सो विधि जब स्कूल गई तो उसके दिमाग में
उसी का इमेज छप रहा था, मतलब वो बार बार रिपीट कर रही थी उस बात को कि टीवी पे क्या दिखाया है, चोरी हुआ है, और जो इसके बारे में जानकारी देगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो जब शाम हुआ और विधि जब अपने घर रिटर्न आई तो उसे याद आया कि उसे अपने दोस्त को जो कि नजमा थी उसे एक उसे उसका कलर का जो सेट था वो देना था। तो कलर का सेट देने के लिए वो जब नजमा के घर गई तो नजमा वहाँ पे बैठी हुई थी, और फिर उसने जाके उसके कहा कि नजमा ये लो तुम्हारा अपना जो कलर का सेट है वो। सी हर्ड अ लाउड वॉइस। अब जब वो जा रही थी नजमा के घर तो वहाँ पे उसको एक बहुत ही लाउड आवाज़ सुनाई दिया। तो आवाज़ इतना लाउड था कि अब यहाँ पे अगर हम बात करें विधि की, तो विधि जो है सो एक क्यूरियस कैट थी। कहने का मतलब है कि विधि को अगर कोई चीज़ पता चले तो विधि उसे जानने के लिए एकदम क्यूरियस हो जाती थी, और जब तक उस बात की जड़ तक ना पहुँचे तब तक जो है सो उसको शांति नहीं मिलता था। तो जब रास्ते में जब वो थी नजमा को जब जा रही थी देने के लिए वो कलर का सेट, तो जो जो पड़ोसी का जो घर था जहाँ नए किराएदार आए थे उनके घर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी, और आवाज़ें जो सुनाई दे रही थी उन्हें उन आवाज़ों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों किसी नेकलेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो विधि को शक हो गया कि हो ना हो ये लोग जो हैं तो चोर हैं और इन्होंने ही चुराया है। तो जब विधि उनके दरवाजे पे कान लगा के सुनने लगी तो उसे कुछ पैरों के चलने की आवाज़ आई, तो वो जल्दी से भागी और अपने कमरे में जा छुपी। अब शाम के समय जब सारे दोस्त खेलने आए तो शुभम भी आया और नजमा भी आई, तो विधि ने जो है उन दोनों को ये सारी बात बताई कि जो हार जो चोरी हुआ है वो हो ना हो हमारे नए किराएदारों ने ही चुराया है। तो ऐसा उसने बात करते सुना था, उन्होंने उसने सबको बताया। तब नजमा तो मान गई कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जो नए टेनेंट्स थे उन्होंने इन बच्चों को डांटा था। तो अब यहाँ पे लेकिन जो शुभम था वो ज़्यादा नहीं सोचा, वो बोलता है कि देखो ऐसा है कि ये काम गर्ल्स का नहीं है, लड़कियाँ ऐसी नहीं कर सकती, वो लोग अगर चोर हैं तो उन लोगों से पंगा नहीं लेना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा बोल के वो अपने 6th फ्लोर पर चला जाता है जहाँ वो रहता है। विधि को यह सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और साथ में नजमा भी उससे एग्री करती है, बोलती है कि शुभम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शुभम के जाने के बाद बच गए सिर्फ दो बच्चे, विधि और नजमा। तो विधि और नजमा आपस में मिलके प्लान करते हैं कि जब वो जो चोर लोग हैं जो नए किराएदार के रूप में आए हैं, जब वो लोग बाहर निकलेंगे आज शाम को तो उन लोगों को हम लोग ट्रिक करेंगे, मतलब उन लोगों को हम लोग अपने जाल में फंसाएंगे और देखेंगे कि वाकई कहीं वो चोर हैं या नहीं। तो विधि जो है सो क्या करती है, नजमा को बोलती है और अपना प्लान बताती है कि तुम मेरा साथ देना, ठीक है। तो जब वो बियर्डेड मैन जो आप अपने भी स्क्रीन पे देख रहे हैं जब अपना सूटकेस लेके बाहर निकलता है, ये सोच के कि वो कहीं बाहर इस हार को जाकर छुपा देगा, वो इसको सही से ठिकाने लगा देगा। तो जब वो बियर्डेड मैन जो कि एक चोर होता है वो बाहर आता है अपना सूटकेस लेके, तो विधि जो है सो एक्टिंग करती है गिरने का और जाके उसके पैर के पास गिर जाती है, और उसके गिरने से जो है वो बियर्डेड मैन जो होता है वो डर जाता है और चौंक जाता है। तो उसके चौंकने के बाद जो है सो उसके हाथ से वो जो सूटकेस है वो गिर जाता है, और जैसे ही सूटकेस उसके हाथ से गिरता है तो गिरने के बाद वो सूटकेस खुल जाता है। अब सूटकेस खुलने के बाद जो है सो वहाँ पे सारी चीज़ें फैल जाती हैं, जैसे कि स्टेशनरी, कैमरा, पेन, पेपर, जितनी भी चीज़ें सूटकेस में रहती हैं वो वहाँ बिखर जाती हैं। अब बिखरने के साथ साथ जो है सो एक हार भी वहाँ होता है जो कि वहाँ पे बिखर जाता है। तो सभी बच्चे जो वहाँ मौजूद थे, स्पेशली दो ही बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, तो दोनों बच्चों ने देख लिया वो हार। अब इस आदमी को लगा कि बच्चे शायद नहीं पकड़ पाए होंगे, उसने झट से जो है वो हार अपने बैग में रखा, बैग पैक किया और उन बच्चों को डांटते हुए वो जो लिफ्ट था लिफ्ट में बैठ के वहाँ से नीचे जाने लगा। अब यहाँ पे नीचे जाने के क्रम में जो है सो सीधे विधि जो है वो अपने फ्लैट में गई, और विधि के पीछे पीछे जो है नजमा भी आई। विधि जाती है अपने फ्लैट में और वहाँ से कॉल करती है अपने वॉचमैन को जो कि मेन गेट पे रहता है, और उसे कहती है कि अंकल अभी एक बियर्डेड मैन गए हैं, आप उनका कार का नंबर नोट कर लीजिए, आप अगर कार का नंबर नोट कर लीजिएगा तो ये हमारे लिए ज़रूरी होगा।
वो वॉचमैन पूछना चाहता है कि क्या हुआ, देन फिर वो बताती नहीं है और वॉचमैन उसको उसको सिर्फ कार का नंबर बता देता है। अब नजमा जो है वो कार का नंबर नोट कर लेती है और वो आती है सीधे अपने फ्लैट में दोबारा और 200 पे कॉल करती है। 200 पे कॉल करने के बाद वो कहती है हेलो अंकल, तो और उधर से रिप्लाई आता है हेलो, और वो उनको इन्फॉर्म करती है कि एक ब्लैक कलर का कार है, सॉरी एक आदमी है जो कि ब्लैक रंग के सूट में है और उसकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और वो एक रेड कलर के कार पे ट्रैवल कर रहा है और जिस कार का नंबर है DBT 4345। वो एक चोर है और उसी ने जो है सो ये हार चुराया है। हम लोग 503 साउथ स्क्वायर नॉर्थ दिल्ली से बोल रहे हैं। और उधर से आवाज़ आता है राइट, देन इन्फॉर्मेशन नोट कर लिया जाता है और कुछ ही घंटों में पुलिस जो है सो उन चोरों को पकड़ लेती है। इधर जो गर्ल्स हैं वो आती हैं अपने अपने घर में और अपनी माओं को सारी जानकारी बता दे सारी जानकारी दे देती हैं कि उनके साथ ये घटना हुई। और जो नए अंकल लोग जो रहने आए थे, जो नए किराएदार जो रहने आए थे, वो सभी चोर थे। अब यहाँ पे माँ लोग तो डर गई, लेकिन कुछ ही देर में जब ये न्यूज़ आने लगा टीवी पे कि वो चोर पकड़े गए हैं और वो उसी बिल्डिंग में रहते थे और इन दो बच्चों का नाम आने लगा टीवी पे, तो माँ लोग भी खुश हो गई कि हमारी बेटियों ने साहस का काम किया है। और उधर शुभम भी जो है सो देख रहा था टीवी पे और उसे भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि काश अगर वो भी इन लोगों का साथ देता तो उसका नाम भी टीवी पे आता, उसका इमेज भी टीवी पे आता, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों बच्चों को जो है सो 10 लाख का प्राइज दिया गया और सभी लोग खुश थे कि हमारी जो बेटियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं और वो किसी से कम नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर नई हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसे, और आपको यूं ही इस प्रकार के नए नए वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं विवेक कुमार मिश्रा आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।